हमारा होममेड मिल्क पाउडर यहाँ पे बनके तैयार है। इसे हमने सिर्फ दो चीज़ों से बनाया है। इसे बनाने में हमें सिर्फ दूध और शक्कर, इन दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। ये बिल्कुल बाजार की तरह बनके तैयार है। इसे आप एक बॉटल में भरकर भी रख सकते हैं और जब आपको यूज़ करना हो निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो एक बार आप इस तरीके से होममेड मिल्क पाउडर अपने घर में ज़रूर बनाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं होममेड मिल्क पाउडर, जिसे हम दो चीज़ों से घर में बनाकर तैयार करेंगे। मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छा और बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मिल्क। ये हमने आधा आधा लीटर का दो मिल्क का थैली लिया है। एक लीटर हमने यहाँ पर मिल्क लिया है और ये हमने लिया है शक्कर एक कटोरी। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर लिया है, फ्राई पैन रखेंगे हम गैस पर। फ्राई पैन में अब हम दूध डालेंगे। तो हम पूरा एक लीटर दूध इसमें डाल देंगे। तो देखिए पूरा हमने एक लीटर दूध इसमें डाल दिया है। अब हम दूध में उबाल आने देंगे। तो देखिए दूध हमारा उबलने लगा है। तो इसे हम चम्मच से इस तरीके से घुमाते रहेंगे। अब बहुत ही अच्छा सा इसमें उबाल आ चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। अब हमें इसे अच्छे से उबलने देना है जब तक कि ये सूख ना जाए। इसका हमें अब सूखा वाला मावा तैयार कर लेना है। बिल्कुल दूध को हम मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे से जले नहीं। जब तक कि इसका मावा ना तैयार हो जाए तब तक हम इसे इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। देखिए अब हमारा जो दूध हमने एक लीटर डाला था वो आधा हो चुका है। इसे हमने अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पका लिया है। तो अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका जो है मावा बन जाए। तो देखिए दूध जो हमने डाला था इसमें एक लीटर, वो देखिए कितना अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो हमें इसे और भी पका लेना है और इसका हमें मावा बना लेना है। तो देखिए दूध पूरा सूख चुका है हमारा और इसका जो है मावा बन के अब रेडी हो चुका है। आप देख रहे होंगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा ये जो है मावा हमारा बन चुका है। तो इसे हम पूरा अच्छे से निकाल लेंगे फ्राई पैन से। जो साइड में चिपका हुआ है उसे भी हम अच्छे से निकाल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल दूध हमारा सूख चुका है, बिल्कुल भी ये गीला नहीं है। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बढ़िया सा ये बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो देखिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा गीला है तो ये ठंडा होने के बाद ड्राई हो जाएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूध से जो हमने ये मावा बनाया था इसे हमने ठंडा होने के लिए रखा था, ये ठंडा हो चुका है। तो इसे अब हम ये कटिंग बोर्ड पर निकाल लेंगे। और अब हम इसे चाकू की मदद से इस तरीके से बिल्कुल बारीक कर लेंगे। इसे हमें दानेदार कर लेना है। जो ये लम्ब्स इसमें है इस तरीके के उसे हमें बिल्कुल ख़त्म करते हुए इसे दानेदार बना लेना है। तो हम चाकू इसमें चलाते रहेंगे और अच्छे से इसे बिल्कुल बारीक कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने बिल्कुल अच्छे से दानेदार बना लिया है और इसमें से जो लम्ब्स थे गुठलियाँ थी वो हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो ये बिल्कुल अब दानेदार बन के रेडी है देखिए। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है, गैस ऑन कर लिया है। फ्राई पैन रखेंगे गैस पर और पैन को हम गर्म होने देंगे। तो देखिए पैन अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो उसमें हम ये जो मावा हमने रवेदार बनाकर रखा है चाकू की मदद से उसे हम डाल देंगे और इसे हम इस तरीके से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। हमें इसे जब तक भूनना है तब तक कि अच्छे से ड्राई ना हो जाए, अच्छा सा सूखा ना हो जाए। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे वरना ये जल जाएगा। तो इसे हम अच्छे से भूनते रहेंगे इसी तरीके से। तो देखिए इसे हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और अब ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे अब हम इस तरीके से उठा लेंगे और प्लेट में डाल देते हैं। तो बिल्कुल अच्छा सा ड्राई हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं सारा। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमने दूध के मावा को भूनकर
सूखने के लिए रख दिया था ड्राई होने के लिए, तो ये बिल्कुल अब ड्राई हो चुका है, बिल्कुल रवेदार बन चुका है, बिल्कुल इसका जो दाना दाना है वो अलग होने लगा है। तो अब हम इसे, एक बाउल हमने ले लिया है, इसमें हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए हमने इसे बाउल में निकाला है, तो ये बाउल भरा नहीं है, ये थोड़ा सा खाली है। अब एक हमने बड़ा सा बाउल ले लिया है, हम इसे इसमें डाल देंगे। और अब हम शक्कर ले लेंगे। तो देखिए हमने शक्कर ली है, तो ये जो कटोरी थी इससे हमने दूध का जो मावा था वो नाप लिया था, तो वो कटोरी थी हमारी भरी नहीं थी, थोड़ी सी खाली थी, इसलिए अब हम जो शक्कर डालेंगे उसे हम आधा डालेंगे, क्योंकि अगर कटोरी भरी होती तो हम पौना कटोरी शक्कर डालते, हमें नाप कर ही शक्कर डालनी है, तो हम आधा कटोरी शक्कर इसमें नाप कर डाल देते हैं। तो देखिए ये आधी कटोरी शक्कर हो जाएगी, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा मीठा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन शक्कर जो है वो इसमें थोड़ी सी बराबर अगर मात्रा में डालते हैं हम नाप कर तो अच्छा होगा। तो हम इसमें शक्कर डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने मिक्सर का बर्तन ले लिया है, तो ये जो हमने शक्कर मिक्स करके दूध का जो मावा हमारा रखा था वो हम इस मिक्सर के बर्तन में डाल देते हैं। तो इसे हम दो बार करके पीसेंगे। तो पहले हम इतना पीस लेते हैं, इसका हम अच्छा सा पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने इसे अच्छे से पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसे हमने पाउडर की तरह बारीक पिसा है। अब जो हमारा बचा हुआ, ये बचा हुआ जो है इसे भी हम पीस लेते हैं इसी तरीके से। तो देखिए अब हमारा बचा हुआ पाउडर भी यहाँ पे बनके रेडी है, तो इसे भी अब हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए होममेड हमारा मिल्क पाउडर यहाँ पे बनके रेडी है, अब इसे हम सर्व करते हैं। हमारा होममेड मिल्क पाउडर यहाँ पे बनके तैयार है। इसे हमने सिर्फ दो चीज़ों से बनाया है, इसे बनाने में हमें सिर्फ दूध और शक्कर, इन दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। ये बिल्कुल बाजार की तरह बनके तैयार है। इसे आप एक बॉटल में भरकर भी रख सकते हैं, और जब आपको यूज़ करना हो निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो एक बार आप इस तरीके से होममेड मिल्क पाउडर अपने घर में ज़रूर बनाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासोमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। Thank you.